तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये वक्त नहीं है आरोप प्रत्यारोप और ये दिखाने का कि ये केंद्र सरकार की का फेलियर है या राज्य सरकार का। हम जानते हैं कि ये दोनों का फेलियर है। हमको पता था कि दुनिया में सारे जहां पे भी फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आया था, उसके बाद सेकेंड वेव सब जगह आया और भयानक रूप से आया। और जहां जहां आया, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो इवन यूएस, जहां पे कैलिफोर्निया में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, तो उसकी बात हमने नहीं सुनी, ना ही हमने साइंटिस्ट की बात की जिन्होंने बोला कि अभी हम इस स्टेज में हैं ये जहां पे सेकेंड वेव इंडिया में एंटर कर चुका है और उसके लिए हमको ठोस और पुख्ता कदम उठाने चाहिए। जनता ने भी नहीं सुनी। जनता ने सोचा कि भाई कोरोना चला गया है, तो हमने मास्क उठाकर फेंक दिया, हम कुंभ मेले चले गए, हम होली मनाने लगे, हम सवे बारात मनाने लगे। और पॉलिटिशियंस उनको तो चुनाव करने का एक बहाना चाहिए, तो वहां चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली उनके लिए सबसे अधिक जरूरी होता है उनकी राजनीति। और ये बात जग जाहिर है। एक साल सबको मिला था, सिर्फ केंद्र सरकार को नहीं, राज्य सरकारों को भी मिला था कि वो अपनी जो सुरक्षा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको पुख्ता करें। जहां तक आपके लॉकडाउन की बात है, तो इसमें दो तीन चीजें को समझना जरूरी है। जो पहला लॉकडाउन लगा था, जो पूरे देश में व्यापक रूप से लगा था, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था वो वर्ल्ड का, क्योंकि हमको वैक्सीन, हमको जो ये वायरस है इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वैक्सीन नहीं बनी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से नहीं थी। पर उस समय भी लेके और आज भी आप देख लीजिए, जबकि नंबर्स डिप हुए और आज हम स्थिति में है कि 2.5 लाख नंबर्स आ रहे हैं, दिल्ली की भयावह स्थिति है, महाराष्ट्र में क्या हालत है वो सबके सामने जग जाहिर है। तो उस वक्त भी एक भी दिन ऐसा नहीं जहां पे आपको जीरो नंबर आए हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि पहला ये कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, सिर्फ एक ठहराव है जिसको आप लेते हो क्योंकि आप तैयार नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं तैयार नहीं है, आपकी आपकी जो हेल्थ सिस्टम है वो तैयार नहीं है, आपको पता नहीं है बहुत सारी चीजों के बारे में। तो हमने तब भी नहीं सीखा और अब भी नहीं सीखा। लेकिन क्या लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है? तो आंसर है नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, लॉकडाउन एक तरह से अगर हम परमानेंटली सोचेंगे कि यही एक हम हर 2 महीने पे या 3 महीने पे या 4 महीने पे लॉकडाउन लगाते जाएंगे, तो हमारे हमारे इकोनॉमी का क्या होगा? तो हम एक क्राइसिस से निकलेंगे, दूसरे क्राइसिस में फंस जाएंगे। तो बीच का सोल्यूशन होता है एक बैलेंस, कि आप कुछ मेजर्स लगाइए, कुछ लॉकडाउन लगाइए जहां पर, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रेस्ट्रिक्शन पब्लिक गैदरिंग्स हो गई वगैरह, बाकी चीजें आप चलने दीजिए और साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पुख्ता कीजिए। देखिए, एक ही सोल्यूशन है, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है, वैक्सीनेशन सोल्यूशन है। अगर आप देखें डेटा, जो आईसीएमआर का डेटा है, वो ये कहता है कि 11 करोड़ लोग, जो 20 अप्रैल का डेटा है, वो 11 करोड़ लोग जिनको जिनको वैक्सीनेट किया गया, उनमें से सिर्फ 0.019% लोग को सी कोरोना हुआ। दैट मीन्स लॉकडाउन इज नॉट कंट्रोलिंग कोरोना, इट इज द वैक्सीनेशन विच हैज द पोटेंशियल टू कंट्रोल, मतलब उसके वैक्सीनेशन के पास क्षमता है कि वो उसको कंट्रोल करे, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। अब आप में अब आप पांडे जी क्या चाहिए? देखिए तो पांडे जी, दो चीजें आप जो कह रही हैं ये थ्योरेटिकल बातें हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई भी नहीं, डेटा मुझे पता है, अगर आप टोटल निकाल लीजिए तो मोर्टेलिटी रेट अभी भी 2% से नीचे है, तो वो डेटा मेरे सामने खुला हुआ, मैं दिन भर डेटा पढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब लॉकडाउन का कोई अंतिम विकल्प नहीं, ये सबको पता है, हमको भी पता, आपको भी पता, शुक्ला जी को भी पता है कि जिंदगी में लॉकडाउन नहीं रह सकता। लॉकडाउन आपने सही कहा, एक पॉज है। वो पॉज इसीलिए लिया जाता है क्योंकि आप बहुत वीक हैं। जब 100 मीटर की स्प्रिंट, नहीं, तो सुनिए ना, हमें बात इसलिए इस पे करनी चाहिए नीरज, कि हम वीक क्यों हैं? हम एक साल तक क्या कर रहे थे? अरे एक साल नहीं, हम वीक हैं, हम 70 साल तक क्या करते रहे? मैं अभी पूरी किताब पढ़ के सुनाऊंगा आपको कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्या किया है। जब आपकी बॉडी वीक होती है और आप 100 मीटर की स्प्रिंट में जाते हैं, तो आप रुक जाते हैं 50 मीटर पर, क्योंकि आपकी सांस फूल जाती है, आप बेहोश हो जाएंगे। आप थोड़ी देर रुकते हैं, रिकवर करते हैं, फिर दौड़ते हैं। तो हमने अगर अपने हेल्थ सिस्टम को ऐसा बना रखा है, तो आपको ये पॉज लेने पड़ेंगे। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि मैं रुक नहीं सकता, नहीं रुकेंगे तो मर जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ये पॉज तो जरूरी है। हाँ, इसलिए पॉज की तरह देखें, और इस पॉज के संदर्भ में जो रामबाण आप बता रही हैं वैक्सीन का, वो सही बात है, लेकिन वैक्सीनेशन हम कहाँ कर पा रहे हैं? अभी तो 18 साल को खोल दिया गया है, अभी आप 1 तारीख से देखिएगा क्या होने वाला है। हमारा 6 मिलियन जो है हमारी कैपेसिटी है वैक्सीनेट करने की, हमने अभी तक सबसे हाईएस्ट नंबर क्या टच किया है?
टू 4.5 मिलियन, यही है हमारे। और आज भी वैक्सीन के केस में लोग अभी भी बहुत ज्यादा हिचक रहे हैं कि क्या वैक्सीन का लेने जाएं। नहीं मैडम, नहीं मैडम, पर पांडे जी कोई हिचक नहीं रहा है, आप देखिएगा 1 मई को हम यही शो कर रहे होंगे। आज अगर हम आज रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हमारा, हमको आज ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी है, हमारा फोकस कभी हेल्थ पे नहीं था। हमको ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में कभी अस्पताल बनाए जाएंगे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेडिकल सिस्टम्स लाए जाएंगे, ये कभी इलेक्शन मैनिफेस्टोज के पार्ट नहीं थे। पार्ट थे तो हिंदू मुस्लिम जात पात, इसने ये किया उसने वो किया, यहाँ की वसूली वहां का अभिविज्ञापन, ये पार्ट होता है हमारे डिस्कशन का और उसी पे जनता वोट करती है। तो इसमें आज जनता के लिए भी बहुत जरूरी है और राजनीतिक के लिए जो 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 पॉलिटिशियंस है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि आज हम इस बात को समझे कि जान है तो जहान है और जान बचेगी तब जबकि हमारे पास जान बचाने के माध्यम होंगे। तो स्मार्ट सिटीज बनाने से पहले आई थिंक हमको सबसे पहले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हेल्थ बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से वो उसकी पेनिट्रेशन रूरल पॉपुलेशन में भी फैले, क्योंकि आज आप देखिए आज दिल्ली मुंबई की बातें आप तक पहुंच पा रही हैं, मैं बैठ के बातें कर रहे हैं, पर आज जो आप जाके देखिए बिहार में छोटे छोटे जगहों पे क्या हालत है, वहां पे डॉक्टर नदारद है, क्लिनिक्स बंद पड़े हुए हैं, डॉक्टर भाग गए हैं ये सोच के कि कोविड हो जाएगा उनको, वहां पे एक एक मरीज को कुछ उनके पास ये साधन नहीं है कि वो क्या करे, उनको ये भी नहीं पता है कि हमको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां पे टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये इतनी जर्जर स्थिति है, लॉकडाउन लगाइए, नेशनल इमरजेंसी घोषित कीजिए, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कीजिए और इस पे सोचिए कि किस तरह से एक सिरे से हम इसको शुरुआत करें, इसको प्राइम फोकस में लेके आए, क्योंकि ये जब जो हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आई थिंक रोटी कपड़ा मकान और अस्पताल बहुत बहुत जरूरी है जी। आज हम पूरी तरह से जो हम विश्व गुरु और वर्ल्ड लीडर बनने की बात कर रहे थे, हम पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। हम देखिए हमारी क्या स्थिति है आज, एक्चुअली हम एक तरह से बेगिंग बोल लेके लोग के दूसरे कंट्रीज के पास जा रहे हैं, कोई हमें ऑक्सीजन दे दो, कोई हमें वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल दे दो। अगर ये पूरा स्टोरी जो मैं तो ये कहूंगी कि जो ये पूरा स्टोरी बनाया गया कि आत्मनिर्भर भारत का, ये असेंबली स्टोरी आत्मनिर्भर भारत का नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लस फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हम रॉ मटेरियल भी यहीं खरीदे और बेचे भी यहीं पे, ताकि हमको किसी और देश से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। और आज जो स्थिति है उसकी स्थिति हो ही नहीं कि ऑक्सीजन तो पड़ा है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन तो पड़ा है भुवनेश्वर और झारखंड और ओडिशा में जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे पास शायद रिसोर्सेज उतने कम नहीं है, रिसोर्सेज उतने कम नहीं जितना उसका मिसमैनेजमेंट है इस देश में, ध्यान नहीं, क्योंकि वो कभी मुद्दे नहीं रहे, मुद्दे इसलिए नहीं रहे ना पांडे जी, सुजाता जी, मुद्दे इसलिए नहीं रहे। अगर आप, मैं कहती हूँ, अगर आप आज से कहें कि चलो आज कोरोना है और मैं सीएनबीसी पे एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें मैं सिर्फ हेल्थ की बात करूंगा, आई कैन गारंटी यू कि आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि चलिए अब तो मैं तो जनता की तरफ से हूँ, तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए, मास्क लगाइए, ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का सबसे आसान और पुख्ता तरीका है कि आप कांटेक्ट में ना आए, आप दूरी बनाए रखें और वर्क फ्रॉम होम करें।